मतलब लिटरली पहाड़ों में ना ड्राइव करने में यही डर लगता है, पता लगता है मोड़ वगैरह होते हैं ना, मोड़ पे ही हुआ तो एक्सीडेंट वैसे भी। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ 5 o'clock और आई हैव टू से बाय बाय टू दीज माउंटेन बिकॉज राइट नाउ वी आर लिविंग रूम हमने लॉक कर दिया, फटाफट नीचे चलते हैं और कीज वगैरह सबमिट करते हैं। 2 hours later. So hey guys, good morning. तो अभी भी हम पहाड़ों में ही हैं, हम मनाली से तो निकल गए थे, राइट नाउ वी आर इन गुरुद्वारा मणिकरण साहब। मैं लास्ट टाइम जब आई थी मनाली तो हम यहाँ नहीं आए थे, तो इस बार तो मैंने सोच रखा था कि जाएंगे, फाइनली अब हम आ गए। एक्चुअली जो हमारी आशू है रात को इसको बहुत ज़्यादा कफ हो गया था, इसलिए हम फैमिली वहाँ से निकल लिए। पहले तो हमने सोचा था कि सीधा हम निकल जाएंगे घर अम्बाला के लिए, बट अभी वो थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो हम इधर आ गए हैं और अभी हम माथा टेकेंगे उसके बाद जाएंगे आगे। और हम सुबह 5:30 बजे वहाँ से निकले थे, एग्जैक्टली 5:30 निकले थे ना मैम हम, और एग्जैक्टली 7:30 बजे 2 घंटे में हम यहाँ पहुँच भी गए हैं। और दूसरी बात ये कि पूरे रास्ते मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे को तो अलग ही थी नींद, तो मैं तो गाड़ी में बैठ के गई थी सो। तो अभी आगे जो होगा वो शूट कर लेंगे, फिलहाल अभी माथा टेकने चलते हैं। ये यहाँ पे ना गर्म पानी का कुंड है, इसमें जो ये चावल और चने डाल रहे हैं ये साथ ही पक जाएंगे कुछ एक मिनटों में। तो ये देखो भगवान का करिश्मा, ये गुरुद्वारे की बैक साइड पे शिवजी जी का मंदिर है और यहीं पे ये गर्म पानी का कुंड है। देखो आप, एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो यहाँ पे आप अपने अपने जो आपने छोले और चावल की खोटली लिया वो पका सकते हैं और घर जाके प्रसाद की तरह खा सकते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली यहाँ पे क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा है, मणिकरण साहिब नाम से ही पता लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ना एक शिव जी का टेम्पल है जो आपने देखा, वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर निकलता है और 12 months मतलब हमेशा यहाँ पे ऐसे ही रहता है, और जो खाना भी बनता है लंगर का वो उसी गर्म पानी में पकाया जाता है। तो देख रहे तो भगवान का करिश्मा ही है कि नीचे इतनी ठंडे पानी है, ऊपर पहाड़ है, इतनी ठंड है, उसके बावजूद भी इतना गर्म गर्म नेचुरल वाटर है यहाँ पे। तो अगर श्रद्धा हो ना मन में तो सब कुछ मिलता है हमें। तो हम लंच के लिए यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है, पता नहीं कौन सी जगह है, और यहाँ पे ना पीछे साइड बैक साइड पे मैंगो ट्रीज है और देखो मंकीज कितने सारे हैं यहाँ पे। ये देखो हम गया वहाँ, वो चढ़ गया पेड़ के ऊपर। अभी हम यहाँ पीछे की साइड गए थे देखने, एक बोल रहा है देखो ए कहाँ गया उस तरफ वो है वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मंकीज है यहाँ पे। ओ भाई एक्सीडेंट देखो कितना तगड़ा हुआ, गाड़ी की गाड़ी पूरी पलट गई है। आई होप सब सेफ हो। तो भाई पीछे देखा कैसा एक्सीडेंट हो रहा था, गाड़ी बिल्कुल ही पलट गई थी ऐसे, और पता नहीं जो उसके अंदर के जो लोग थे वो सेफ थे भी या नहीं। तो देख के हमारा तो दिल घबराने लग गया, उसके बाद हमने आराम से ही चलाई। मतलब लिटरली पहाड़ों में ना ड्राइव करने में यही डर लगता, पता लगता मोड़ वगैरह होते हैं ना, मोड़ पर ही हुआ तो एक्सीडेंट वैसे भी। चलिए हम जो थे उनके लिए भी प्रे करते हैं कि वो भी ठीक हो, सेफ हो। बाकी अब हम आगे जाने लगे बैजनाथ मंदिर जो कि है पालमपुर से ऊपर, बैजनाथ नहीं है तो अब वहाँ के लिए निकलते हैं। तो ये मनाली से बैजनाथ की तरफ जो रूट जाता है वो है, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बैजनाथ की तरफ। तो बेसिकली रात को हमारा कहीं और रुकने का प्लान है, वो आप आगे देख ही लेंगे। तो ये वो रास्ता है जो मनाली से जाता है बैजनाथ की ओर। वो जो टॉप देख रहे हैं ना वो बैजनाथ मंदिर है, हमने गाड़ी पीछे ही पार्क कर दी है यहाँ पे, और फटाफट बस फटाफट 5 से 10 मिनट में माथा टेकेंगे और जाएंगे। बाकी दोनों बच्चे अमन के पास है, मैम और सर पीछे आ रहे हैं। हाय आशु, उतना नहीं आज आशी बहुत थक गई है, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर दिया है ना हमारे साथ, पहाड़ों की गलियों में थक गया है। आशी थक गयो, आज तो हेयर स्टाइल बड़ा सुंदर किया आशी ने। यहाँ का प्राचीन बैद्यनाथ मंदिर है, सॉरी बैद्यनाथ मंदिर है प्राचीन
शिव जी का प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना। मैं खुद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, इतने पास धर्मशाला आके चले जाते थे। ये मंदिर के बैक साइड पे पार्क वगैरह बना हुआ है, आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। वेदर वगैरह आप देख सकते हो काफी अच्छा, हम भी यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो काफी लोग यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, तो दिस इज ऑल्सो कूल। माता वगैरह टेक लिए यहाँ से, अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकल रहे हैं धर्मशाला। मतलब धर्मशाला भी नहीं जाएंगे, घूमने तो कल जाएंगे, आपको तो पता ही है मेरे तो भाई रिश्तेदारी सारी मासी मामे सब धर्मशाला ही रहते हैं, तो घर के पास में ही होटल लिया है, मतलब सर मैम सब वहीं स्टे करेंगे, इवन अमन भी वहीं स्टे करेंगे, मैं घर जाऊँगी, काफ़ी टाइम हो गया मासी वगैरह से मिले नहीं है, तो बस अब डायरेक्ट वहीं जाएंगे। आई कॉन्ट वेट मोर, अब मैं थक चुकी हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे पैर भी दर्द होने लग गए लिटरली अब तो। वन मोर थिंग जिसके लिए सब कन्फ्यूज थे यहाँ की, वॉट अबाउट द स्टोरी ऑफ यर। आप सबको पता होगा जब रावण ने शिव जी की तपस्या की तो उन्होंने कहा था आप मेरे साथ लंका चलो, तो शिवलिंग को उठा के लेके जा रहे थे तो शिव जी ने बोला था कि जहाँ पे भी आप मुझे रख दोगे वहीं पे अपना घर मतलब विस्थापित हो जाऊँगा, तो फिर यहाँ पे उन्होंने उनको रखा था और उसके बाद यहाँ पे मंदिर बना था ये बैजनाथ। चामुंडा देवी मंदिर, रश रुश बिल्कुल भी नहीं है, जब यहाँ से निकल ही देते तो हमने सोचा माथा टेक के निकलते हैं ना, तो अब हम यहाँ आए हैं। मैम तो फर्स्ट टाइम आए ना जी? चलो बढ़िया, आज एक ही दिन में तीन बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे दर्शन कराए हैं। ये हमारी माही जी प्रसाद लेके जा रही है, चलो जी चलो। इज द मेन गेट फॉर द एंट्रेंस, यहाँ से आया करते थे हम आगे चले गए, यहाँ से एंट्री करके देखते रश रुश तो लग नहीं रहा। बंद होगी बोटिंग, वो कोरोना के बाद बंद कर दी होगी ये पार्क वगैरह, पहले नहीं थे ये अभी बनाए। और तो ये मंदिर जा रहे हैं हम चामुंडा देवी, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये अंदर से रास्ता है जो मेन आते हैं, हम थोड़ा बाहर वाले पिछले गेट से आए हैं तो ये आउटसाइड रास्ता है, और ये सामने दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। वैसे तो इन दोनों में क्राउड होता है, कोई खास क्राउड है नहीं, आप देख सकते हो थोड़ी बहुत ही लाइन है यहाँ पे, और नीचे की साइड पे बोटिंग जो होती थी वो बंद कर दी गई है अब, और उस साइड पे जो वो पुल है वहाँ पे लोग फोटो शूट के लिए गए और नीचे ही नहीं जाते, वहाँ जाना वैसे सेफ नहीं है तो उस साइड जाना चाहिए, बट अभी भी जाते ही है। जिस टाइम पे यहाँ पे बोटिंग होती थी ना पूरा एरिया भरा रहता था, यहाँ तो फ्री होते ही नहीं थे, यहाँ पे वो हिमाचल ड्रेस पहन के फोटोग्राफी और खाने पीने के स्टॉल आसपास वो मतलब होता रहता था, अब खाली हो गया तो कोई इस साइड पर नज़र भी नहीं आ रहा इतना। यहाँ पे तो ज्यादा मंकीज हुआ करते थे, एक बार हम यहाँ खड़े थे हमारे से मंकी ने प्रसाद छीन लिया था, मुझे याद है। तो फाइनली वी रीच, अभी हमने यहाँ पे स्टे किया था ऑर्थर्स रेजिडेंसी, इससे यहाँ से बैक साइड जाके मासी का घर है, मैं तो वहाँ चल जाऊंगी, सारे यहाँ पे स्टे करेंगे आज। आप लोग रात को मुझे बहुत ज्यादा मिस करना है, ठीक है? करेगी माही मुझे मिस? पक्की बात है, कल पूछूंगी मैं कितना मिस किया, ठीक है? बाय आशी, बाय बाय आशी, परेशान होगी दीदी का, चली बाय आशी।